आज मैं आपको ऐसे लड़के सॉरी ऐसे बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपसे कितना भी प्यार करने का वादा दावा क्यों ना करते हो कभी भी शादी नहीं करने वाले। एट द एंड वो आपको छोड़ ही देंगे शादी के नाम पर कि मेरी फैमिली नहीं मान रही। एंड में यही बोलेंगे और ब्रेकअप कर लेंगे। कौन से होते हैं ये लड़के जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 ना भूलें, बेल आइकन तो दबा ही देना। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला बिहेवियर इन लड़कों का, इन बॉयफ्रेंड्स का, कि ये आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। आप कुछ भी कह लीजिए, एज अ फ्रेंड भी आपको अपनी फैमिली के पास नहीं लेकर जाएंगे। हर बात पर कोई ना कोई बहाना लगा देंगे अगर आप मिलने के लिए बोलेंगी तो। फैमिली से आपको दूर रखते हैं बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ सिर्फ फैमिली से नहीं दोस्तों से भी दूर रखते हैं। अगर इसको आपसे शादी नहीं करनी है और ये श्योर है इस बारे में, सिर्फ गेम खेल रहा है, सिर्फ प्यार का दिखावा कर रहा है ना, तो आपको फ्रेंड के साथ में इन्वॉल्व नहीं करेगा, दूर रखेगा। खास करके उन दोस्तों से जिससे इसकी बहुत गहरी दोस्ती है, जो इसके बहुत चहीते दोस्त हैं। ये बिहेवियर दिखाता है कि भाई मुझे तो छोड़ना ही है, जब छोड़ना है तो अपने चहीतों से यारों प्यारों से क्यों इंट्रोड्यूस करवाऊँ इस लड़की को जिसे मैं कल छोड़ने वाला हूँ। कल को ये लोग सवाल पूछेंगे ना, जिसके साथ में तो घूम रहा था वो कहाँ गई, क्यों गई, क्या हुआ। तो क्यों किसी को आंसरेबल होना है किसी के लिए, क्यों किसी को आंसर करना है, क्यों क्वेश्चंस को इतना बढ़ावा देना है। इस वजह से ये आपको दूर रखता है। तीसरी चीज़ जो आप देखेंगे कि ये आपके साथ में अपने पैसों से जुड़ी, फाइनेंस से जुड़ी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते। इनके पास कितना पैसा है, कहाँ पर इन्वेस्ट इन्होंने कर रखा है, कहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी है, क्या इन्हों का फ्यूचर प्लान है, ये सब चीज़ें शेयर नहीं करते। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है लड़कों की तरफ से कि भाई ये चीज़ें तो कोई भी शेयर नहीं करता, किसी से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। आई नो दिस, ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, बट यकीन मानिए एक लड़का जिससे प्यार करता है उससे ये सब चीज़ें ज़रूर शेयर करता है। कितना कमाता है, कहाँ कमाता है, कितना इन्वेस्ट कर रखा है, कहाँ प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीज़ें वो चाह रहा है, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पर है, एक एक पाई का हिसाब ना वो अपनी गर्लफ्रेंड से ज़रूर शेयर करता है अगर वो उसके लिए सीरियस है तो। अगर ये सब बातें आपसे शेयर नहीं कर रहा है ना, तो यकीन मानिए इसने अभी आपके लिए शादी के बारे में नहीं सोचा है, शादी के लिए सीरियस नहीं है, इसलिए अपनी चीज़ों को छुपा के रखता है, इन प्राइवेट चीज़ों को सीक्रेट रखता है। ये बहुत बड़ा साइन है कि आपसे शादी नहीं करने वाला। आप देखिए कि आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, हालांकि प्यार करता है, प्यार दिखाता है, आपका ख्याल भी रखता है, इसके बावजूद आप इग्नोर्ड फील करेंगे इस रिश्ते में। आपको ये लगेगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसको जब काम होता है ना, तो ये आपको इम्पोर्टेंस ना देख के अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है। अगर इसके साथ में प्रायोरिटी हो तो ये अपने आप को प्रायोरिटी देगा, आपको नहीं देगा, आपको साइड कर देगा। और ये चीज़ें ना महसूस हो जाती हैं, बस ये चीज़ें आप फील करेंगे रिश्ते में कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसके लिए आपको इग्नोर कर रहा है, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए। बल्कि जो इंसान आपके लिए सीरियस होगा ना, वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा, वो सबको इग्नोर कर देगा आपके लिए, बस आपको नहीं करेगा। ये कर रहा है क्योंकि यह आपके लिए शादी के लिए सीरियस नहीं है। फोर्थ, ये आपके साथ में इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। मीन्स आप देखेंगे कि आपके साथ में चीज़ें शेयर करता है बट इमोशंस शेयर नहीं होते। देखिए दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। चीज़ें शेयर करना क्या होता है, यार आज मैं वहाँ गया था तो ये हुआ, तो दोस्त के साथ में ये हो गया, तो घर में ये हो गया, आज ये प्रॉब्लम हो गई तो ये अच्छी चीज़ हो गई, ये रूटीन शेयर करना होता है। इमोशंस शेयर करना होता है कि आप किसी का हाथ पकड़ के अपने ही एक इमोशंस की नदी में बह रहे हैं। आपके दिल में जब बहुत सारे जज्बात निकल रहे होते हैं और आप फ्लॉलेसली शेयर करते चले जाते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपके दिल में क्या चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में, आप डीप डाउन क्या सोचते हैं उसके बारे में आप शेयर करते ही चले जाते हैं अपने पार्टनर के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। बट ये होता उनके साथ में है जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। जो इमोशनली कनेक्ट नहीं होते वो इमोशंस नहीं दिखा पाते, चाहकर भी नहीं दिखा पाते। बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर होता है चीज़ें शेयर करने का। तो ये चीज़ें भी आप बस जज कर लेंगे, आपको फील होगा कि वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता।
और अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपके साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं है, तो ये मान लीजिए कि वो आपसे शादी नहीं करने वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर वक्त आपको यही बताएगा कि यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी। आप उसको 1 लाख तरीके बता दीजिए कि वो अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस कर सकता है, वो आपको 2 लाख तरीके बता देगा कि कैसे वो कन्विंस नहीं कर पाएगा। वो हमेशा आपसे बस यही कहेगा, फैमिली नहीं मानेगी, मम्मी सुसाइड कर लेंगी, तो पापा मेरे गुस्से वाले हैं, तो मेरे भाई ने लव मैरिज नहीं की है, तो मेरी बहन का रिश्ता नहीं होगा, तो ब्ला 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 ब्ला। हो सकता है आपके साथ में ये चीज़ें हो रही हों और आपको एक फील होगा कि प्यार तो करता है बट मजबूर है। यकीन मानिए 99% केसेस में ऐसा कोई इंसान मजबूर नहीं होता, उसे नहीं करनी है इसलिए वो नहीं कर रहा है, वो सीरियस होता तो इसके लिए स्टेप ले चुका होता। देखिए, जो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए होती है ना, उसके लिए हम हमेशा एफर्ट्स करते हैं। बात तो तब है जब वो लड़का सारे एफर्ट्स लगा दे, बहुत कोशिश कर ले, उसके बाद भी फैमिली ना माने, तब है ना बात। जिस लड़के ने आज तक आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, घर में कोशिश भी नहीं की, बस डर के बैठा हुआ है, तो इसका यही मतलब है कि वो खुद भी नहीं चाहता, या तो वो आपसे इतना टच है ही नहीं, या फिर उसका प्यार अभी इतना गहरा नहीं है, वो बस एक नॉर्मली प्यार है, सच्चा प्यार, ट्रू लव, ऐसा वाला सीन नहीं है जहाँ आपके बिना ना रह पाए। अगर वो आपके बिना ना रह पाता तो घर में एफर्ट्स करता, अगर बिना एफर्ट किए आपको समझा रहा है कि फैमिली किस लिए नहीं मानेगी, तो समझ जाइए कि वही नहीं करना चाहता शादी। ऐसे लड़के के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए, क्योंकि ये नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो बॉयफ्रेंड के साथ में अगर हैं या फिर आने वाली हैं, तो एक बार देख लें कि वो कैसा बिहेव करता है, ताकि आप ज़्यादा टाइम ना दें, ज़्यादा इमोशंस खर्च ना करें ऐसे लड़के के ऊपर, वरना बाद में वो तो निकल जाएगा, आप रोती रह जाएंगे, आपकी लाइफ बर्बाद होने वाली है ऐसे लड़के के साथ में। कभी ना जुड़े, अगर बॉयफ्रेंड ऐसा है तो छोड़ दें। होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के लिए। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।